हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन में 18, 19, 20, 21 ऑफ एक्सरसाइज 3 से, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 ये है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस 6। देखिए स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट को लगता है कि रूट 3 लगा तो क्वेश्चन टफ होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये आप ध्यान से देखिए, आप क्वेश्चन समझ जाएंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आप रूट 3 है, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी। आप देखिए कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहले हम क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है, पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, पहले हम लास्ट वाले का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्या है, 6 है, 6 करेंगे, 2 3 6, 3 1 3। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इसको ऐसे प्लस माइनस करते कि माइनस रूट 3 आए और इंटू करने पर वही नंबर माइनस 6 आए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, हमें चाहिए क्या, रूट 3 चाहिए, इसमें रूट 3 है नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, रूट उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको पता है स्टूडेंट कि रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाता है, 3 होता है। तो क्यों ना 3 की जगह हम रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, 3 की जगह आप लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 3। ठीक है, अब हम क्या चाहिए स्टूडेंट कि माइनस रूट 3 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, बस क्या करते हैं, कोई सा ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें रूट 3 दिया हो या रूट 2 रूट 4 रूट 5 कुछ भी दिया हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप एलसीएम देखेंगे कि 5 रूट 5 है तो आप उसके लिए एलसीएम 5 देखेंगे, रूट 2 है तो उसके लिए आप 2 देखेंगे, रूट 4 है तो उसके लिए 4, रूट 3 है तो उसके लिए 3। ठीक है, तो अब 3 को आप ब्रेक करेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 3 आएगा, वैसे आप 5 को ब्रेक करेंगे रूट 5 इंटू रूट 5, वैसे आप 2 को ब्रेक करेंगे रूट 2 इंटू रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, देखिए हमें चाहिए क्या, माइनस रूट 3 चाहिए, तो ऐसा नंबर रखना है कि हमें माइनस रूट 3 आए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 3 को हम बाहर ले लिए जो रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया, तो ये तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे अब बस क्या बचा है, 2 बचा है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम 2 को हम एक 2 का आप यहाँ पे क्या, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, बड़े नंबर को मतलब कोई भी नंबर बचता है स्टूडेंट, अगर एक नंबर बचा है तो उसको हम आगे पुट करते हैं, पीछे नहीं पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, रूट 3 इंटू रूट 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे बस एक नंबर दिया हुआ है 2, तो हम 2 कहाँ पुट करेंगे, आगे वाले में पुट करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 और 4 बचा होते हैं स्टूडेंट, तो आप क्या करते, 4 को आप आगे वाले में पुट करते और 2 को आप पीछे वाले में पुट करते, बड़े नंबर को हमेशा आगे पुट करते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है तो उस एक नंबर को आप आगे पुट करेंगे। ठीक है, मतलब आगे 2√3 इंटू रूट 3 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, इंटू करके आप देखिए कि इंटू करने में माइनस 6 आ रहा है कि नहीं, देखिए स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाता है, ब्रेक होके रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, तो इंटू 3, 3 2 6। ठीक है, लेकिन माइनस 6 चाहिए स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे हम, पहले हम इसको माइनस 2√3 प्लस रूट 3। देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे कि हम माइनस 2 आगे इसलिए लगाए स्टूडेंट क्योंकि बड़े नंबर के आगे साइन मैटर करता है। ठीक है, लेकिन माइनस 3 रूट चाहिए हमें, इसलिए हम बड़े नंबर के आगे माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस चाहिए, छोटे नंबर के आगे अगर माइनस लगाएंगे स्टूडेंट तो छोटे नंबर का साइन नहीं देखा जाता, बड़े नंबर का साइन देखा जाता है। अगर हम प्लस 2√3 लगाएंगे और माइनस 3 हो जाएगा, तो ये तो माइनस होने पर, ये तो माइनस होकर √3 आएगा, लेकिन हमें चाहिए कि माइनस रूट 3 चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, बड़े नंबर के आगे माइनस लगाएंगे, तभी बड़े नंबर के आगे साइन देखा जाता है स्टूडेंट। इसके लिए हम क्या करेंगे, बड़े नंबर के आगे माइनस लगाएंगे ताकि हमें माइनस रूट 3 मिल जाए। ठीक है, देखिए माइनस 2√3 प्लस 2√3। ठीक है, अब इसको प्लस माइनस करिए तो क्या आएगा, 2 में से यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो 1 होता है, 2 में से 1 क्या, 1, और आगे बड़े नंबर के आगे क्या है, माइनस है। ठीक है, और √3, ठीक है, क्या चाहिए, माइनस रूट थ्री मिल गया। 1 आप लिखे ना लिखे बात बराबर है, वही है। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं दिया तो आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा मतलब यहाँ पे रूट 1 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, हो गया स्टूडेंट, आगे समझ में। पहले आप क्या करें, एलसीएम निकाल, उसके बाद जो नंबर दिया उसको हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक करेंगे क्या आएगा, √3 √3 आएगा, फिर जितना नंबर बचता है स्टूडेंट उसको हम दोनों में पुट करते हैं, यहाँ पे बस एक नंबर बचा है स्टूडेंट, तो आप बस आगे पुट करेंगे, उसके बाद देखिए स्टूडेंट माइनस करेंगे, बड़े नंबर के आगे माइनस लगाएंगे ताकि माइनस √3 मिल जाए हमें। ठीक है, ये मिल गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 प्लस √3 माइनस 6। √3 लिखे आप, 1/√3 लिखे, 1 लिखे ना लिखे बात बराबर होता है। ठीक है,
अब देखिए स्टूडेंट क्या आ गया, बस आप यहाँ पे एक्स भी लगेगा, बस आप इसको कॉमन ले लीजिए। इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे दोनों तरफ है। यहाँ बचा क्या, एक्स बचा माइनस टू रूट थ्री, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, रूट थ्री कॉमन लेंगे जो आपको दिख रहा है, रूट थ्री हम कॉमन लेंगे। एक्स माइनस, अब देखिए सिक्स का आपने एलसीएम निकाला था, टू इंटू थ्री निकाला था, लेकिन आप टू का ब्रेक, टू इंटू थ्री क्या है सिक्स का एलसीएम है स्टूडेंट, लेकिन थ्री को आप क्या करें ब्रेक करेंगे क्या आएगा, टू इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री। हमें कॉमन क्या लेना है, रूट थ्री, रूट थ्री कॉमन ले ली तो बचे है क्या टू रूट थ्री, ठीक है टू रूट थ्री। इधर भी टू माइनस एक्स माइनस टू रूट थ्री, इधर भी एक्स माइनस टू रूट थ्री, तो क्या करें कॉमन लेंगे एक्स माइनस टू रूट थ्री। इधर क्या बचा एक्स प्लस रूट थ्री, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन देख सकते हैं 10, 11, 12, 13 में सिर्फ रूट वाला दिया हुआ है, तो आप अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिया है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 40 + 3x - x2। इसमें क्या करना है स्टूडेंट, इसमें सेम क्या दिया बस उसको उल्टा कर दिया, सेम ऐसे क्वेश्चन है बस उसको उल्टा कर दिया, एक्स स्क्वायर पीछे कर दिया, ये चीज़ सेम यहीं पे और 6 को आगे कर दिया है, मतलब 40 है आगे, ठीक है। सेम वैसे क्वेश्चन है, बस आप कुछ नहीं करना स्टूडेंट, ना इसको चेंज करना, बस आप क्या करें जैसे आप करते हैं वैसे आप करिए, ठीक है। क्या करते हैं, पहले लास्ट वाले का एलसीएम निकालते हैं, लास्ट वाले पहले आ गए तो ये क्या आएगा 40 का हम एलसीएम निकालेंगे क्या आएगा, 2 2 = 4 0 2 1 = 2 0 2 5 = 10 5 1 = 5 हो गया। चाहिए क्या हमें स्टूडेंट, प्लस थ्री आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे और इंटू करने पे वही नंबर 40 आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन को बस उल्टा कर दिया उसको, क्वेश्चन सेम है, बीच वाले का प्लस माइनस करने पे 3x आना चाहिए और 40 करने पे इंटू करने पे 40 आना चाहिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट 2 2 = 4 4 2 = 8 8 5 = 8 हो गया और ये 5 है, 8 5 = 40 और 8 को 5 में माइनस करने क्या आएगा 3x आएगा। हमें क्या चाहिए, प्लस 3x चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बड़े नंबर के आगे प्लस लगाएंगे और छोटे नंबर के आगे माइनस लगाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 40 + 8x - 5x - x2 हो गया। कॉमन क्या ले लेंगे इसमें, इसमें हम कॉमन लेंगे 8, ठीक है। 8 5 = 40 + यहाँ पे x बच गया, माइनस यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे और माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे प्लस चाहिए स्टूडेंट, इसलिए माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने में क्या होता है स्टूडेंट, जो माइनस में तो प्लस में चेंज हो जाता है और जो प्लस में माइनस में हो जाता है, यहाँ पे दोनों माइनस में है तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, एक x बाहर ले लिया, एक x बच गया, तो 5 + x और 8 - x, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, x² + 26x + 133। पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, 133 का एलसीएम निकालेंगे क्या आएगा, 133 का एलसीएम देखिए सर 7 से हो जाएगा, 7 7 बचा 6, 7 9 = 63 हो गया। अब 19 किसी टेबल में नहीं आते तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 19 1 = 19, ठीक है। अब देखिए सर क्या कराना है, कि हमको प्लस माइनस करने पे माइनस 26 है और वही नंबर 133 इंटू करने पे आया। देखिए स्टूडेंट 19 को अगर हम 7 से माइनस प्लस करेंगे तो क्या आएगा, +7 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2। लेकिन चाहिए क्या हमें स्टूडेंट, माइनस 26 चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कि बड़े नंबर के आगे माइनस लगाएंगे और छोटे नंबर के आगे माइनस लगेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, -19x - 7x लगाएंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे तो माइनस होता ही है, 19 में 7 माइनस होता है घटता, ठीक है। और -19x - 7x लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो और साइन किसका होता है, माइनस का होता है, हमें क्या चाहिए, साइन भी माइनस का चाहिए और प्लस हो, ठीक है है। तो 19 + 7 क्या हो जाएगा, -26, ठीक है। वही नंबर इंटू करेंगे देखिए कितना आ रहा है, 9 7 = 63 7 7 8 9 10 11 12 13 आ गया। x² - 19x - 7x + 133 कॉमन ले लेंगे x, इसमें x माइनस 19 कॉमन हो गया, इसमें -7x 7 10 133 कितने टाइम्स आते हैं, 19 टाइम्स में। तो देखिए इसमें क्या माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि इधर -19 दिया हुआ है, अगर माइनस कॉमन नहीं लेंगे आप प्लस हो जाएगा, कॉमन नहीं ले पाएंगे हम,
इसलिए हम इसे माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने में क्या होता है स्टूडेंट, जो प्लस होता है माइनस भी चेंज होता है और जो माइनस होता है प्लस भी चेंज जाता है। तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस सेवन हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, और ये प्लस होता है माइनस नाइनटीन, एक्स माइनस नाइनटीन और एक्स माइनस सेवन, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स माइनस 24। अब देखिए स्टूडेंट, फिर से रूट वाला आंसर, फिर से रूट वाला क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट। तो आप क्या करेंगे, पहले आप देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, माइनस 24 का आप एलसीएम निकालेंगे, 24 का आप एलसीएम निकालेंगे। तो 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 1 3, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट क्या करना है कि हमें माइनस प्लस करने में माइनस रूट थ्री आए और वही नंबर इंटू करने में माइनस 24 आए। पहले देखिए क्या करते हैं स्टूडेंट, जो रूट पे दिया होता है उसको देखते हैं, वो नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे दिया रूट थ्री दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रूट थ्री नहीं दिया हुआ, लेकिन क्या देखते हैं, थ्री देखते हैं, उसका नंबर देखते हैं। नंबर क्या है, थ्री है। तो हम थ्री क्या लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, बच जाएगा इतना नंबर। थ्री को आप बाहर निकाल लीजिए, बाहर मतलब थ्री को आप ब्रेक करेंगे, आएगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, जितना नंबर दिया होता है उसको ऐसे आप प्लस माइनस करिए कि माइनस टू आए, ठीक है, और बड़ा नंबर जो होना चाहिए वो आगे आप पुट करेंगे और छोटा नंबर पीछे पुट करेंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे टू टू ज़ा फोर टू टू ज़ा एट है, ठीक है, लेकिन क्या कर माइनस टू लाना है हमको स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, टू टू ज़ा फोर, फोर में से अगर टू माइनस करेंगे हम तो क्या आएगा हमारा, माइनस टू। माइनस फोर में से बड़े नंबर का साइन मैटर करता है स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, माइनस फोर प्लस टू, ठीक है। बड़ा नंबर क्या है, फोर है, फोर क्या करेंगे आगे पुट करेंगे और टू क्या करेंगे पीछे पुट करेंगे और माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा फोर टू ज़ा एट, माइनस एट और थ्री, एट थ्री ज़ा 24, माइनस 24। अब देखिए स्टूडेंट माइनस फोर रूट थ्री को हम प्लस टू रूट थ्री करेंगे, प्लस टू रूट थ्री इसलिए लिखिए स्टूडेंट क्योंकि अगर माइनस लगाते यहाँ पे तो क्या हो जाता, माइनस फोर माइनस टू मिल क्या हो जाता, माइनस सिक्स हो जाता, लेकिन चाहिए क्या, माइनस टू चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे प्लस लगाएं, यहाँ पे माइनस लगाएं क्योंकि बड़े नंबर चाहिए हमें, बड़े नंबर क्या आगे माइनस चाहिए हमें यहाँ माइनस लगाने के लिए। ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस टू क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा और रूट थ्री, रूट थ्री क्या हो जाता है, रूट थ्री रहता है, बस इंटू में क्या हो जाता है, ये रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो जाता है, लेकिन प्लस माइनस में रूट थ्री ही रहता है, ठीक है। तो ये माइनस टू रूट थ्री हो गया, चाहिए क्या हमें, एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री माइनस 24, एक्स माइनस फोर रूट थ्री प्लस, अब इसमें कॉमन क्या लेंगे स्टूडेंट, टू रूट थ्री कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा एक्स माइनस 24 में देखिए टू रूट थ्री कॉमन लेंगे, बचेगा एक टू निकल गया, ठीक है। यहाँ देखिए एलसीएम क्या है, टू इंटू टू इंटू थ्री ही एलसीएम है, ठीक है। रूट थ्री भी चाहिए हम कॉमन, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, टू इंटू टू थ्री की जगह रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ठीक है। तो रूट थ्री और टू हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, टू टू ज़ा फोर रूट थ्री, फोर रूट थ्री, ठीक है। तो एक्स माइनस फोर रूट थ्री, एक्स प्लस टू रूट थ्री, ये हमारा आंसर हो गया है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 से 21 हमारा कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन में 18 से 21 हमारा कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट इफ लाइक मी वीडियोज़ दैन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।